हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सबको 5 मिनट के अंदर में MIS स्कोर बना के दिखाने वाला हूँ। मैं इस टेम्पलेट्स में कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिक जिस भी मैं एम्प्लॉय का चाहूँगा उसका MIS स्कोर निकाल के यहाँ पे दे देगा। तो अभी मैं लास्ट 1 वीक का MIS स्कोर निकालना चाहूँगा, 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। तो इसमें मैं डेटा दिखा देता हूँ कि मेरा डेटा किस टाइप से है। मैं FMS पे आ चुका हूँ। एक मेरा ऑर्डर टू डिलीवरी FMS है, जिसमें मेरे अलग अलग स्टेप्स हैं एंड हर एक स्टेप पे एक एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, उसको एक प्लान टाइम दिया जा रहा है और एक्चुअल में वो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन दो प्लान एंड एक्चुअल के अकॉर्डिंग मैं आप सबको इसमें स्कोरिंग निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं इस सीट पर आ चुका हूँ। सबसे पहला जो मैं MIS स्कोर निकालूंगा वो संजय प्रताप का है। तो संजय प्रताप का है, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। तो संजय प्रताप का जो स्टेप है वो है अपडेट ऑर्डर रिसीव टाइम एंड चेक ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सीट पर, यहाँ पर मैं वो स्टेप का नाम सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने स्टेप का नाम सिलेक्ट किया, आप देखेंगे संजय का ऑटोमेटिक MIS स्कोर निकाल के दे दिया -14.29% 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच का। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा लेटेस्ट डेटा दिखा रहा है, ये लेटेस्ट डेटा हमारा वो है 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के बीच में। जिस भी ऑर्डर का प्लान डेट 5 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर के बीच में है एंड इन्हीं दो डेट के बीच में कंप्लीट किया गया है, वो डेटा मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे परसेंट ऑफ वर्क डन, कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है सही टाइम पे। तो आप देखेंगे 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में प्लान मेरा 56 का था, 56 मेरा एक्चुअल में कंप्लीट हो गया। स्कोर जो मेरा दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, बिकॉज इसमें कोई भी डिले नहीं हुआ है तो कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इसमें आप देखेंगे परसेंट ऑफ वर्क नॉट डन ऑन टाइम, कितने परसेंट काम ऐसे हैं जो कि डन हुए हैं लेकिन टाइम पर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे 56 का मेरा प्लान था, एक्चुअल में मेरा 40 टास्क है जो कि कंप्लीट हुआ है सही टाइम पे एंड -16 टास्क ऐसे हैं जो कि सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसका स्कोर यहाँ पे मेरा दिखा दिया -28.57%। अब जो माइनस मेरा 16 टास्क जो है वो मेरे डिले हुए हैं, वो मेरे ये सभी डिटेल्स शो कर रहा है कि मेरा प्लान किया गया था 5 अक्टूबर का 10:53 पे, लेकिन एक्चुअल में ये कंप्लीट किया गया है 5 अक्टूबर को 12:41 पे। काम कंप्लीट तो हुए हैं लेकिन डिले कंप्लीट हुए हैं, वो डेटा मेरा यहाँ पे दिखा दे रहा है। अब थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करते हैं तो इसमें आप देखेंगे ये मेरा ओल्ड डेटा का दिखाएगा, यानी कि स्टेप इसी का है लेकिन ये ओल्ड डेटा दिखाएगा। ओल्ड डेटा मीन्स कि जिस भी ऑर्डर का प्लान डेट 5 अक्टूबर से पहले का रहा होगा, जो भी काम कंप्लीट करना था जिसका प्लान डेट 5 अक्टूबर से पहले का है एंड वो इस वीक में कंप्लीट किया गया है। तो कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जिसका भी प्लान डेट 5 अक्टूबर के पहले रहा हो और इन दो डेट के बीच में कंप्लीट किया गया हो, तो कोई भी टास्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब आ जाते हैं कि संजय का एक स्कोर हमारा निकल गया स्टेप 1 का। अब हम चाहते हैं कि इस FMS में जितने भी स्टेप पे संजय इन्वॉल्व हैं सभी स्टेप का हम स्कोरिंग देखना चाहते हैं। तो हम राइट साइड में थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अगला स्टेप जो इन्वॉल्व है वो स्टेप नंबर 7 में संजय इन्वॉल्व है, यानी कि स्टेप नंबर 7 संजय को करना होता है, गिव कटिंग ऑर्डर एंड कटर गो डाउन करके स्टेप का नेम है। तो मैं इस सीट पे आ जाता हूँ। अब मुझे सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ से लेके रो नंबर 6 से लेके रो नंबर 20 तक मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद में मैंने रो नंबर 22 पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ से स्टेप नेम को हटा दिया। तो अब ये मेरे लिए नया रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे जो भी स्टेप का नाम सिलेक्ट करना चाहूँ उसको कर सकता हूँ। तो मैं FMS पे गया, इसका नाम मैंने चेक कर लिया एंड यहाँ से मैं जाके गिव कटिंग ऑर्डर एड कटर गो डाउन करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसकी भी स्कोरिंग मैंने यहाँ पे ये सीट ने जनरेट कर दिया। जैसे कि ये लेटेस्ट की हम बात करें तो प्लान किया गया था 29, एक्चुअल में 28 कंप्लीट हुआ है, 1 का डिफरेंस आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक टास्क है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका प्लान टाइम है 5 अक्टूबर का, 11 बजे कंप्लीट हो जाना चाहिए था रात को, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड इसमें देखेंगे जो टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है लेकिन डिले कंप्लीट हुआ है, उसमें आप देखेंगे 28 टास्क मेरा कंप्लीट हुआ है, 28 का प्लान था लेकिन 25 टास्क जो है वो ऑन टाइम हुए हैं, -3 टास्क, यानी कि 3 टास्क मेरे ऐसे हैं जो कि टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि 7 अक्टूबर का प्लान था मेरा लेकिन ये 7 अक्टूबर को 12:24 पे कंप्लीट किया गया। ये 5 अक्टूबर का प्लान था रात को 11 बजे का, लेकिन ये 7 अक्टूबर को शाम को 6:02:48 पे कंप्लीट हुआ है। तो जो मेरा काम हुआ है
जो मेरा काम हुआ है एंड डिले हुआ है उसकी स्कोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, -10% ये स्कोरिंग दिखा रहा है, एंड जो काम मेरा हुआ है सही टाइम पे हुआ है उसकी स्कोरिंग -3.45% दिखा रहा है। प्लान मेरा 29 का था लेकिन एक्चुअल में 28 ही मेरा कंप्लीट हुआ है। इसमें से एक टास्क ऐसा है जो कि पेंडिंग है, ये अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं ओल्ड की बात कर लूँ तो ओल्ड का इसमें आ रहा है जिस भी ऑर्डर का प्लान डेट 5 अक्टूबर से पहले का हो तो एक ही टास्क है मेरा, यानी कि एक ही ऑर्डर है जो कि 26 सितंबर का है एंड अभी तक वो पेंडिंग है, तो उसकी स्कोरिंग यहाँ पे दिखा दिया -100%। तो ओवरऑल आप इस ऑर्डर टू डिलीवरी एफएमएस में जो संजय इन्वॉल्व है इनका एवरेज स्कोर जो है वो -28.55% यहाँ पे हमारा शो कर दिया। इसी तरीके से आप किसी भी इंप्लॉय की स्कोरिंग को निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और इंप्लॉय का इसमें बना के दिखाता हूँ आप सबको। सेकेंड स्टेप पे जो है वो नेहा है, तो नेहा का हम किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल सा हम संजय की सीट को डुप्लीकेट कर देंगे। हमने डुप्लीकेट कर दिया तो हमारे लिए एक नई सीट रेडी हो गई एंड यहां से मैंने स्टेप हटा दिया। अब मैं सीट का नाम चेंज कर देता हूं, इसको मैंने नेहा नाम से कर दिया। अब मैं देख लेता हूं कि नेहा जी का स्टेप का नाम क्या है, स्टेप टू पे है तो कन्फर्म ऑर्डर विद कस्टमर एंड एडवांस पेमेंट है, तो मैं यहां पर आ गया नेहा जी की सीट पर। सिंपल सा मैंने स्टेप का नाम सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने स्टेप का नाम सिलेक्ट किया मेरा ये स्कोर यहाँ पे जनरेट करके दिखा दिया -7.69%। सेकेंड स्टेप कौन सा है नेहा जी का, कंफर्म एडवांस पेमेंट का है, तो थर्ड स्टेप भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दिस, तो इसमें आप देखेंगे इसका भी स्कोर यहाँ पे जनरेट करके मेरा दिखा दिया। एक्चुअल में प्लान मेरा हुआ था 4 का और एक्चुअल में मेरा कंप्लीट भी हो गया एंड कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि डिले हुआ हो, तो यहां पर आप इसकी स्कोरिंग देख सकते हैं। तो ऑन एवरेज जो स्कोरिंग है दिखा रहा है दोनों स्टेप की वो -3.85% दिखा रहा है। तो आप इस सीट को किसी भी अपने जिस भी काम में, यानी कि प्लान एंड एक्चुअल के अकॉर्डिंग आपका काम किया जा रहा है, अलग अलग इंप्लॉई काम कर रहे हैं, इस सीट को इजिली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप सबको दिखाया कि सिंपल सा यहां पर मैंने स्टेप के नेम वगैरह सिलेक्ट किए एंड ऑटोमेटिक मेरा MIS स्कोर जनरेट करके यहां पर दिखा दिया। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।